नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ई विधानसभा प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के आह्वान पर हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि 2020 में हरियाणा को डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से मिले 150 में से 100 अवार्ड डिजिटल क्षेत्र में मिले हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री सोमवार को डिजिटल हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम टैबलेट पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नीवा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा सदस्य प्रश्नोत्तर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तरंकित व अंतरंकित प्रश्न विधानसभा की ऑडियो व वीडियो को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक इस एप्लीकेशन का प्रयोग न केवल मोबाइल बल्कि कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीवा एप्लीकेशन शुरू करने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व विधानसभा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीवा एप्लीकेशन सिर्फ विधायकों के लिए बनाई गई है, इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। सभी विधायकों को पहले एक ही पासवर्ड दिया जा रहा है, लेकिन बाद में सभी अपना सीक्रेट पासवर्ड अवश्य बना लें। सभी विधायक इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब इस नीवा एप्लीकेशन को विधानसभा के कार्यों से जोड़ा गया है, लेकिन भविष्य में इसके अंदर विधायकों के क्षेत्रों से जुड़ी भी जानकारी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं, सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में कितना फंड खर्च किया गया है। विधायकों के माध्यम से यह जानकारी आम जनता भी आसानी से ले सकेगी। आज अस्तमी विधानसभा के इस अपने इतिहास में एक मील का पत्थर ऐसा ही लगने जा रहा है कि एक नई विधा, क्योंकि डिजिटल इंडिया इसका एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया। धीरे धीरे हम हर विभाग के कामों के लिए हर फील्ड में हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं, और चाहे बिजनेस हो चाहे सामान्य समाज के कामकाज में उसका जीवन सरल करना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें एक पारंगता प्राप्त की है। ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत से नए पोर्टल हमने अपने शासन व्यवस्था में भी लागू किए हैं, जिसके कारण से हमको 2020 का राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड ये भी हमको मिला है। पिछले 2 साल से ऊपर समझो इसका करना शुरू किया है। बहुत से अवार्ड हमको मिले हैं, हर प्रदेश को मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 150 अवार्ड में से 100 से ज्यादा अवार्ड हमको केवल अपने डिजिटल कार्यक्रम के कारण से मिले हैं। उसी में आज हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। विधानसभा में हमारे जितने भी विधायी काम हैं, सदस्यों को सहूलत के लिए प्रश्नोत्तर से लेकर के कॉलिंग अटेंशन है या अन्य जितनी भी या चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, अब उसका एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ये भी इसके कारण से अपना बन सकेगा। हर विधानसभा के हमारे सदस्य ने कब क्या बोला वो पढ़ने की बजाय सीधा सीधा उनको देखने से सुनने से भी पता लग सकेगा। पूरा डाटा हमारे पास रहेगा, जब भी हम चाहें इस डाटा को अपने पास देख सकते हैं। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी, हम अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर से इसका उपयोग कर सकेंगे। मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड और iOS मोबाइल है उन दोनों पर ये लागू हो सकेगा। सावधानी जरूर इसमें बरतनी चाहिए हमको, क्योंकि जितना इसमें जानकारी है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, वो विधायकों के लिए, माननीय सदस्यों के लिए है। इसकी कोई भी चीज बाहर ना जाए, कोई लीकेज होती है, तो ये विधानसभा के हमारे सदस्य उसमें जिम्मेवार होते हैं। इसमें खास करके इसका उपयोग करते समय अपना जो पासवर्ड है, क्योंकि आईडी तो कहीं भी पता लग सकती है, इसको पासवर्ड जो है हमारा अपने पास रहना चाहिए। अभी एक पासवर्ड कॉमन आपको दिया जा रहा है यहाँ, लेकिन बाद में इसको जितना जल्दी हो सके उसको परिवर्तन करके आप अपना सीक्रेट पासवर्ड उसको बना लें और वो अपने पास रखें। अगर किसी से उपयोग करवाना भी है, क्योंकि सब लोग शायद जैसा अमृत जी कह रहे थे कि
युग के हिसाब से इसका उपयोग आगे बढ़ेगा, नई पीढ़ी इसको बहुत आसानी से वो कर पाएगी। हम सीखना चाहें तो किसी भी पीढ़ी के लोग सीख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। फिर भी लिमिटेशन है तो हम किसी की सहायता लेंगे, विश्वसनीय जो व्यक्ति है उसी को अपना पासवर्ड आदि ये देना चाहिए, क्योंकि जितने भी इस समय डिजिटल इस सारे युग में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करने के साथ ही होते हैं, तो ये जानकारियां भी अपने को अपने साथ रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा के आरंभ हुए मानसून सत्र के प्रथम दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत पूर्व संसदीय सचिव, विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गयी। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने शोक संतप्त परिजनों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए उनमें हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कृष्णा पंडित, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी हरिचंद हुड्डा और डॉक्टर राम कुमार सैनी शामिल हैं। वहीं सदन में अदब्य साहस दिखाते हुए मातृभूमि की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 22 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इनके अलावा सदन में 19 जुलाई 2022 को नूह जिले में अवैध खनन रोकने की कार्रवाई के दौरान मारे गए हरियाणा पुलिस के उप अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, गांव सारंगपुर, जिला हिसार के दुखद एवं आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया और दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गयी। उपरोक्त के अलावा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा के चचेरे भाई भगवान दास, विधायक राम कुमार गौतम की चाची श्रीमती गीता देवी, विधायक चिरंजीव राव के मामा सुरेश यादव और विधायक घनश्याम सराफ के साले शोक कुमार के दुखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया। पिछले सत्र और इस सत्र के प्रारंभ होने के बीच में बहुत महत्वपूर्ण हस्तियाँ हमारे बीच से चली गई हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे महानुभावों के जाने के शोक में मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या 1। ये सदन हरियाणा की भूतपूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कृष्णा पंडित के 9 अप्रैल 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 9 अप्रैल 1938 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई तथा वर्ष 2006 से 9 के दौरान संसदीय सचिव रही। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी हरिचंद हुड्डा के 16 अप्रैल 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म वर्ष 1921 में हुआ। वे वर्ष 1977 व 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य डॉक्टर राम कुमार सैनी के 2 मई 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 8 जून 1944 को हुआ। वे वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने वर्ष 1957 में हिंदी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे मृदुभाषी व मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति
अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।